सो दोस्तों, आप अभी कुछ इस तरीके का वीडियो जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे, तो इस तरीके का वीडियो हम किस तरीके से बना सकते हैं वो चीज़ आज बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूज़ वगैरह भी आ रहे इस तरीके के वीडियोज़ में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसका एडिटिंग करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो फोटो करना है, जिस फोटो पे आपको एडिटिंग करनी है, वो फोटो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पर रिमूव बीजी, ठीक है। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं रिमूव बीजी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर चले जाना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड इमेज का, आपका जो भी फोटो है, ठीक है, आप जो भी लेना चाहते हो। जैसे मैं इसका बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इनका फोटो ले लिया, ठीक है। अब इसे किस तरीके से बनाना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें सिर्फ आपको अपलोड कर देना है एंड देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आप फुल फोटो भी ले सकते हो या फिर हाफ फोटो भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फुल फोटो लेते हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपका जो यहाँ पर एडिटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वाला फोटो ले लिया क्योंकि फुल फोटो होना चाहिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको फुल फोटो लीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये फोटो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोड हमारा हो चुका है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। अब आपको दोस्तों कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन यानी कि फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन में चले जाना है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपका चले जाता हूँ पिक्सल लैब में, ठीक है। तो यहाँ पिक्सल लैब में आपको चले जाना है दोस्तों, या फिर कोई भी आप फोटो एडिटिंग ऐप ले सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्रॉम गैलरी पे जाना है, एंड आपको मैंने जो नीचे बैकग्राउंड दिया है दोस्तों, नीचे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो उस बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, यहाँ पर ले आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस बैकग्राउंड को यहाँ पर ले आते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो जो मैं एडिटिंग्स बताते जा रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही करते जाना है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने ये वाला फोटो ले लिया है ताकि देखने में सही लगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, तो इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड आपने जो भी रिमूव किया था, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड आपने अभी रिमूव किया था उसे आपको ले लेना है। तो हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, और आपको अब इसे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है ताकि यहाँ पर कुछ दोस्तों पता ना चले। और आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शैडोज दे देना है ताकि ये रियल लगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके रियल दिखने के लिए आपको यहाँ पर 3D शेप पर क्लिक करना है, और थोड़ा सा 3D लुक देकर आपको नीचे करना है, ठीक है, डेप्थ करके इसे नीचे के साइड करना है ताकि ये आपका ऐसा ना लगे दोस्तों कि आपने फेक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कर देना है, एंड इसे एडजस्ट करके आपको यहाँ पे नीचे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम टू सेम आपको उसी तरीके से एडिटिंग करनी है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसी पर क्लिक करना है और इसके नीचे शैडो देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे इसके शैडो देते हैं, तो शैडो पे जाना है आपको, यहाँ पर आपको यहाँ पे शैडोज बढ़ाने हैं थोड़े से, एंड इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। इसको इसी तरीके से रहने देना है दोस्तों, एंड इसको थोड़े से यहाँ पर नीचे करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ताकि ये हमारा फोटो जो है देखने में थोड़ा रियल लगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारा हो गया है। अब इसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर इसे मैं कुछ इतना बड़ा रखता हूँ, आपको अपने हिसाब से रखना है दोस्तों, आपका फोटो जितना बड़ा हो या फिर जैसा दिखने में हो। तो सबसे पहले इसे आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेव टू गैलरी कर लिया। अब सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन पर चले जाना है, ठीक है। अब VN एप्लीकेशन पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो मैं नीचे देता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसी को आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, एंड दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो दिया, जैसे मैंने ये वाला वीडियो आपको नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वाला देख सकते हो कि ये डाउनलोड कर लिया है मैंने। आपको पीछे चले जाना है दोस्तों, एंड ये वाला जो है आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, इसका जो वाटरमार्क होता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि जहां तक आपको फोटो नजर आ रहा है, जैसे मुझे यहां तक फोटो नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक फोटो मुझे नजर आ रहा है। अब क्या करना है, जहां तक आपको फोटो नजर आ रहा है वहां पर आपको स्प्लिट कर देना है। तो यहां तक मुझे नजर आ रहा था, तो मैंने यहां तक स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां लेयर वाले ऑप्शन पर ये क्लिक करना है इस पर, और आपको जो आपका फोटो मैंने दिया है दोस्तों, आपने जो अभी एडिटिंग की, ठीक है, तो यहां पर मैंने ये वाला सेव किया। अब आपको इसे क्या करना है, थोड़ा एडजस्ट करके इसके बराबर करना है, इस तरीके से करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको यहाँ क्रॉप करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ओरिजिनल यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से मिल जाता है, तो आपको इसे रोटेट शेप में यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है।
सो दोस्तों आपको इधर आना है एंड एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से रेक्ट एंगल वाला ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है ताकि पीछे का जो फोटो है वो आपका ना दिखे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर आपका पता नहीं चलना चाहिए दोस्तों कि आपने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मास्क हम यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा और बड़ा ताकि हमारा देखने में सही लगे। तो यहाँ पर हमने इसे कुछ इतना बड़ा कर दिया है और आपका ये जो पेड़ वगैरह है वो नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब दिखे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने इतना बड़ा इसे कर दिया है ताकि देखने में पता ना चले। अब ये हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हो। अब इसे आपको यहाँ पर इस तरीके से जितना बड़ा आपने किया था दोस्तों उतना ही बड़ा आपको कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसे मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये फुल ऑन साइज में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का अभी हमारा एडिटिंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आप की फ्रेम ऐड करना है, तो इसे थोड़ा सा आप लंबा कर लीजिएगा इसे। उसके बाद आपको यहाँ पर धीरे धीरे छोटा करते जाना है वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा जाना है, फिर थोड़ा सा छोटा करना है, की फ्रेम डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जाना है, फिर थोड़ा सा छोटा करना है, की फ्रेम डालना है, फिर थोड़ा सा जाना है दोस्तों, यहाँ पर की फ्रेम नहीं हुआ हमारा। तो यहाँ पर फिर आपको जाना है, फिर थोड़ा सा छोटा करना है, फिर की फ्रेम आपको डालना है, ठीक है। आगे करना है, की फ्रेम डालना है, फिर आपको आगे जाना है दोस्तों, इसे छोटा करना है, की फ्रेम डालना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा पीछे जाना है दोस्तों, छोटा करना है, की फ्रेम डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पीछे जाना है, छोटा करना है, की फ्रेम आपको आगे जाके थोड़ा सा डालना है, फिर आपको छोटा करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर की फ्रेम डालना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमने की फ्रेम डाला, फिर आपको छोटा करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से की फ्रेम एक डाल देना है, फिर आपको आगे जाना है, फिर यहाँ पर इसे छोटा करके आपको इस तरीके से की फ्रेम एक डाल देना है, ठीक है। आगे करके यहाँ पर हमने डाल दिया, फिर इसी तरीके से आपको छोटा करना है दोस्तों, आपको फिर आगे यहाँ के की फ्रेम डालना है, फिर इस तरीके से आपको और छोटा करना है और की फ्रेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आगे आना है आपको और छोटा करना है, देख सकते हो कि एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारा थोड़ा सा बड़ा करना है इसे, तो यहाँ पर हमारा इसे फिर से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपको कर करके थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों की फ्रेम से डालना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए दोस्तों ताकि रियल है हमारा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। और फिर आगे आना है दोस्तों, आपको की फ्रेम इसी तरीके से डालते जाना है एंड और छोटा करना है इसे थोड़ा, एंड आपको फिर से की फ्रेम एक डाल देना है, ठीक है। यहां से आपको और छोटा कर देना है पूरा, और आपको फिर से एक की फ्रेम डाल देना है। अब हमारा वीडियो यहां पर कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है वीडियो दोस्तों एडिट हो चुका है। आप इस तरीके से वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है ऐसे कोई नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आप अभी कुछ इस तरीके का वीडियो जो है काफी ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे, तो इस तरीके का वीडियो हम किस तरीके से बना सकते हैं वो चीज आज बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूज वगैरह भी आ रहे इस तरीके के वीडियोज में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसका एडिटिंग करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर।